अमरावती में सांपों के जहर की सप्लाई, फाजिल पुरिया और एल्विस से कबूला संपर्क, रिमांड पर सपेरों के अहम खुलासे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। रेप पार्टी आयोजित करने और सांपों का जहर की सप्लाई के आरोपों में घिरे एल्विस यादव मामले में जेल भेजे गए पांचों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई राज खोले हैं। आरोपियों ने फाजिल पुरिया और एल्विस से संपर्क की बात कबूल ली है। आरोपियों की 54 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हो गई। पुलिस अधिकारी रेप पार्टी जहर एल्विस से बातचीत और विदेशी युवतियों समेत अन्य पहलुओं पर आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान राहुल समेत अन्य गुरुग्राम के अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुई पार्टी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सबसे अधिक पार्टी सिंगर फाजिलपुरिया के गांव फाजिलपुर में हुई है। आरोपियों ने मध्यस्थ के जरिए एल्विस से बातचीत की बात भी कही है। नोएडा पुलिस आरोपियों से किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर आरोपियों से सवाल कर रही है। राहुल ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने गुरुग्राम में पार्टी की थी। आरोपी फाजिलपुर गांव में आयोजित बीन पार्टी और सांप लेकर गया था। पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों और एल्विस का आमना सामना कर सकती है। हालांकि एल्विस ने खुद को बीमार बताया, ऐसे में शुक्रवार को एल्विस और अन्य आरोपियों का आमना सामना नहीं हो सका। अभी भी रिमांड अवधि का काफी समय बाकी है। जानकारी के लिए बता दें कि संभावना है कि शनिवार को पुलिस एल्विस और अन्य आरोपियों का इसी दौरान आमना सामना कराएगी। रिमांड पर आए आरोपियों के पक्ष में अधिवक्ताओं का एक पैनल भी आया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहें सिटी वेब के साथ।